Times Media. द टाइम्स मीडिया के हेल्थ सेगमेंट में आपका स्वागत है। शरीर का सबसे मजबूत पार्ट हमारा दांत है और दांत जो हमारे शरीर को मजबूत करता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अभिषेक शेखर से। सबसे ज्यादा दांतों के कुछ भी मेंटेनेंस में सफाई होता है, दांतों के बढ़िया से ब्रशिंग, सुबह शाम दो टाइम ब्रशिंग, कुल्ला करना। ब्रशिंग के मामले में जैसे मैंने बताया सर, क्या कोई खास ऐसी ब्रश वगैरह यूज करनी चाहिए जो बच्चों में अंतर हो या फिर हाँ, बच्चों में ब्रशिंग का क्या मतलब? बच्चों में और बड़ों में दोनों में अलग अलग ब्रश आते हैं। बच्चों के लिए जूनियर ब्रशेज आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, हर साल में है 6-7, वो आप जाएंगे, अच्छे स्पेसिफिक कंपनीज हैं, कोलगेट और ब्रांड तो हम लोग सब ब्रांड है, ब्रांड में कुछ ब्रांडेड है, उसमें आप देखेंगे कि वो लिखा रहता है 2 से 4 साल का बच्चा, 3 से 5 साल का बच्चा, हर बच्चों के लिए एक होता है, एडल्ट में भी होते हैं। अब उसमें बड़ों में है मीडियम सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, जैसे हम लोग हैं अगर यंग एज के हैं तो मीडियम या सॉफ्ट ब्रश यूज करते हैं, ओल्ड एज के एक्स्ट्रा सॉफ्ट या सेंसिटिव ब्रश या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करें तो उनपे एनामिल ठीक रहता है। जैसा कि सर अभी अपने ब्रश के बारे में बताया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्रश कितने दिनों तक यूज करना चाहिए, कोई भी एक ब्रश अगर बच्चों के लिए कितने दिन तक यूज करें या एक बड़े इंसान कितने दिन तक ब्रश को ज्यादा यूज करें? देखिए ब्रश जो कहते हैं, आप जो बोले कि ब्रश को कितने दिन पे बदलना चाहिए, आइडियली एक ब्रश को 2 महीने में चेंज कर देना चाहिए। ये हर ब्रश को, कोई भी ब्रश हो उसको हर 2 महीने पे बदलना चाहिए। और ब्रश कहते हैं कि बड़ों और बच्चों का, बड़े हैं चाहे बच्चों हैं, कोई भी हो उसको ब्रश करने का एक टेक्निक भी होता है, वो भी हम बता देते हैं। ब्रश करने को गोल गोल करके ऐसे, और फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ब्रशिंग करना चाहिए, फिर मुंह खोल के अंदर में ब्रश करके ऐसे ऐसे ब्रश करना चाहिए, ये वाले पोर्शन में ऐसे करना चाहिए, ऊपर वाले में ऐसे करना चाहिए और अंदर में खड़ा करके ब्रश को ऐसे चलाना चाहिए। इस दौरान कोई कोई बच्चे आप देखे होंगे कि बच्चे दांत चबाते हैं ब्रश को, बच्चे छोटे बच्चे दांत को ब्रश को लेके चबाते हैं, उस दौरान क्या होता है ब्रश फैल जाता है ऐसे। जिस दिन ये ब्रश फैल गया इसे इसका मतलब चेंज कर देना है, ब्रश को इसी हालत में होना चाहिए, एकदम ब्रिसल्स ऐसे ही होना चाहिए। 2 महीने के अंदर अंदर भी अगर ये ब्रिसल्स ऐसे फैल गया है तो ये मतलब चेंज कर देना है, क्योंकि बड़े भी बहुत लोग होते हैं बहुत फोर्स लगा के ब्रश करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए तो दांत के साइड में कट जाता है। ब्रश को सॉफ्टली जेंटली ऐसे ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे ऐसे सर्कुलर मोशन में करने के बाद ऐसे और ऐसे करना चाहिए ब्रश को, और ज्यादा जो ऐसे दबा के करते हैं तो ब्रश फैल जाता है, फिर चेंज कर देना चाहिए। The Times Media.